बड़ी खबर, शुक्रवार को राम मंदिर चौराहा सिविल लाइन जयपुर पर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल के सहयोग से नवनिर्मित सहायता बूथ पोर्ट हट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग से पधारे पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह कृष्णिया, सहायक पुलिस आयुक्त मनोज गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राजेंद्र सिंह सिसोदिया, पुलिस निरीक्षक दक्षिण सोन चंद, यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी गण, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के प्रतिनिधि नंदपुरी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र मारवाल, बजरंगलाल पारिक एवं आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के इस कड़ी में उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह ने बताया कि हवा सड़क पर स्थित यह सर्किल यातायात एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहां आमजन एवं वीआईपी मूवमेंट से लगातार यातायात की आवाजाही बनी रहती है। बूथ स्थापित होने से तेज धूप एवं बरसात के मौसम में भी पुलिसकर्मी बूथ में भी निगरानी रख सकेंगे एवं सहायता होने पर तुरंत चौराहे पर पहुंचकर यातायात सहायता प्रदान कर सकेंगे। बूथ के निर्माण में हीट रेजिस्टेंस इंसुलेटेड पफ पैनल का उपयोग किया गया है। स्लाइडिंग ग्लास से युक्त पारदर्शी खिड़कियां लगी हुई है एवं पीने की पानी की भी व्यवस्था है। इस कार्य के लिए इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल प्रशासन को धन्यवाद दिया। संबोधन में कहा कि भविष्य में आगे भी हॉस्पिटल का सहयोग मिलता रहेगा। आमंत्रित सभी का मान सम्मान किया गया। सभी ने इस बूथ के स्थापित करने की तहे दिल से भूरी भूरी प्रशंसा की। वंदे मातरम और जय सिंह घोषो शिष्यार्थ के दृढ़ संकल्प के शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे को मंगल बधाइयां देकर कार्यक्रम का समापन किया। आपका परिचय? मैं बजरंगलाल पारिक, अजमेर रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? ये इस एरिया के जो टीआई साहब हैं सोनचंद जी, वो हमेशा ही आम जनता के लिए भी और पुलिस कर्मियों के लिए भी सबकी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते ही है। मैं इनको कोरोना काल से देखते आया हूँ कि ये ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए भी ध्यान रखते हैं और जनता का भी ध्यान रखते हैं। तो ये आज एक ये बनाया है फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से और सोनचंद जी के अथक प्रयासों से ये बना है। क्या बनाया है ये? जो पुलिस को बैठने के लिए जो बनाई है, इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। और इस संबंध में और क्या विशेष क्या सेवाएं मिलेगी? इससे क्या है कि नागरिकों को यह है कि एक तो ट्रैफिक में सुविधा मिलेगी ना भाई, यहाँ बैठे बैठे आराम से तरीके से टैकल कर लेंगे और तकलीफ भी नहीं होगी लोगों को। तो क्या ये कंट्रोल रूम है या क्या पुलिस? कंट्रोल रूम तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह से पुलिस के जवान बैठे रहेंगे, अचानक अर्जेंट कोई भी काम हो जाता है तुरंत जा सकते हैं, कंट्रोल रूम जैसा ही है ये। थैंक यू। मैं नरेंद्र मारवाल, नंदपुरी व्यापार मंडल अध्यक्ष, जयपुर व्यापार मंडल प्रवक्ता। आज सोनचंद जी हमारे टीआई साहब के अथक प्रयासों से और फोर्टिस के अथक प्रयासों से सिविल लाइन राम मंदिर के सामने पुलिस चौकी का एक निर्माण हुआ है। इस निर्माण के वजह से हमारे को इस विधानसभा क्षेत्र को, सिविल लाइन क्षेत्र को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सोन जी के अथक प्रयासों की सराहना कर रहा हूँ। कारण कि सोन जी की कृपा अथक प्रयासों से ही चौकी का निर्माण हुआ है और यहाँ पे जो यातायात डाइवर्ट होता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम यातायात जाम रहता है, उसकी निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। और दूसरा, सर्दी गर्मी बरसात से आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक यात्रीगण ट्रैफिक वाले सब परेशान हुआ करते थे, उनको भी एक राहत मिली है। और दूसरा, आने वाले विधानसभाओं को चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए इस चौकी का निर्माण किया गया है। और इससे चौकी के बारे में कुछ विशेष कहना चाहेंगे आप? इस चौकी की विशेष खासियत यही रहेगी कि ये सिविल लाइन एरिया के लिए, यहाँ आने जाने वालों के लिए और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की निगरानी के लिए इस चौकी का निर्माण किया गया है। थैंक यू भाई साहब। जी सर, आपका परिचय सर? मैं जयपुर दक्षिण का ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ और मैं विगत 4-5 साल से इसी क्षेत्र में पोस्टेड हूँ। मैंने देखा जब भी गर्मी हो, बारिश का मौसम हो या किसी भी तरह का वीआईपी मूवमेंट हो, धरना प्रदर्शन जुलूस रैली हो या ट्रैफिक जाम होता हो, उस समय ट्रैफिक के जवानों को धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने मेरे उच्चाधिकारियों से संपर्क करके और हमारे पर्सनल
लाइजन बना करके हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष बीएल पारिक साहब हैं, नरेंद्र नारवाल साहब है, इन सब के सहयोग से फोर्टिस अस्पताल जो कि हमेशा जन कल्याण के लिए बहुत आगे रहता है, तो उनके सहयोग से हमने ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम समझो या आम भाषा में ट्रैफिक कंट्रोल सुगम संचालन के लिए एक व्यवस्था हमारा ऑफिस है ये समझो, ये व्यवस्था हमने करवाई है और इसमें फोर्टिस अस्पताल का बहुत गहरा सहयोग रहा है, उनकी तरफ से ही ये बना है। मतलब फोर्टिस अस्पताल बोले तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए? यस, ये फोर्टिस अस्पताल है जो कि एक जाना माना नाम है और जयपुर में बहुत बड़ा मेडिकल के और स्वास्थ्य के इलाज के मामले में बहुत अच्छा नाम माना जाता है, उनके तरफ से निःशुल्क और पूरा सहयोग के हिसाब से ये बना के दिया है हमारे को। और इसमें ये कुछ बताई बात है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के विजिट करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और आपके साथ में रोड दुर्घटना हो सकती है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए आप यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम किसी को ब्रीफ करते हैं, किसी को यहाँ पर समझाते हैं या यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, तो एक ये बैठने की जगह हो गई, यहाँ किसी भी यातायात का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति होता है तो उसको हम बैठा के समझा सकते हैं। और क्या विशेष प्रकार की नागरिकों को सुलभता मिलेगी जी? इससे ये सुविधा मिलेगी कि आपको इस क्षेत्र में कहीं भी जैसे कोई ट्रैफिक जाम की या ट्रैफिक डायवर्जन की कोई समस्या हो और वो इस बारे में जानकारी लेना चाहो कि भाई मुझे आगे रास्ता डायवर्जन किया हुआ है तो किधर जाना चाहिए, तो हमारा ट्रैफिक का जवान इसी चेक पोस्ट पर बैठा हुआ मिलेगा, वो बता देगा कि आगे ट्रैफिक जाम है तो आप इधर से निकल सकते हैं, या ट्रैफिक डायवर्जन है या फिर जैसे मान लो कहीं ट्रैफिक जाम हो रखा है तो हम इसे बैठ के कंट्रोल करेंगे, इस बारे में यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिलेगी। जो आपने बताया कि संपर्क कर सकते हैं जी सर, सरकार का कोई नंबर आप अवेलेबल करा सकते हैं जी सर? जैसे जी सर, जैसे हमारे यादगार के नंबर होते हैं 256630 और इसके अलावा मेरे खुद के स्वयं के नंबर हैं 9414308356, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं जब भी जयपुर शहर में, जयपुर दक्षिण MI रोड से लेके चाकसू कोट। आपका परिचय? सर मेरा नाम प्रकाश बागड़ा है, मैं जयपुर से जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और यहाँ सभी सामाजिक गतिविधियों में मैं हमेशा भाग लेता रहता हूँ। आज ये किस प्रकार के विशेष कार्यक्रम में आपका पधारना हुआ? आज हमारे यहाँ पे जो TI साहब है सोहन सिंह जी, जो हमेशा आम नागरिकों की मदद करते रहते हैं, हमेशा सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। सोहन सिंह जी ने देखा कि उनके जो सिपाही है, जो लोग गर्मी भीषण गर्मी हो रही है अभी, तो गर्मी बरसात से बचाव के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, आम जन के राहत के लिए, जनता को समझाने के लिए जो POS का एक उद्घाटन किया गया है फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा, आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, उसमें सब सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के लोकल सामाजिक लीडर और हमारे जो भी DCP साहब है और सोहन सिंह जी के अथक प्रयासों से ये कार्य हुआ है। आपको कैसा अनुभव हुआ है? आज तो प्रथम दिन है, हाँ। कैसा क्या लगता है आपको? आज बहुत अच्छा लगा कि पुलिस महकमे के अंदर भी कोई ऐसे इंचार्ज या TI है जो आम जनता के लिए सोचते हैं, सिपाहियों के लिए सोचते हैं, या तो जो इंचार्ज होता है, अधिकारी होता है, वो अपनी सोचता है ना, सिपाहियों की सोचता है ना, जनता की सोचते हैं। आज पुलिस महकमे की हम तारीफ करते हैं कि पुलिस महकमे में ऐसे भी लोग हैं जो आज इंसानियत बचा के रखे हुए हैं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ साहब के दिशा निर्देश पे, और थैंक यू सो मच जो आप इतनी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, बधाइयाँ।